कीजिए और खाना भी, स्पेशली खाना एंड गाना दोनों ही एंजॉय कीजिए। आप देख रहे हो मेरा चैनल जिसका नाम है नितीश एंड कुजीन। तो आज हमारे जो फूड पार्टनर है वो है बनारस से और वो आज रांची आए हुए हैं, तो आज का वीडियो उनके साथ होगा। तो आज हम जो अपने हमारे जो फूड पार्टनर है उनको लेके बहुत ही स्पेशल जगह जाने वाले हैं, और क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने जो पार्टनर है उसको रांची घुमाएं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो और लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो के, और चलिए हमारे साथ। सो फ्रेंड्स, ये जो बिग बिरयानी है ये है रिलायंस स्मार्ट, आप देख सकते हो SRS सिनेमा जो कि संध्या टावर है उसके जस्ट अपोजिट में, और यहाँ पे डंगरा टोली चौक है जो कि रांची के लोग तो इसे जानते ही होंगे। और ये रहा हमारा द बिग बिरयानी, आप देख सकते हो यहाँ पे द बिग बिरयानी लिखा हुआ है, और आज हम लोग यहीं पर जा रहे हैं और ये काफ़ी फेमस है, और ये है डंगरा टोली चौक पुरलिया रोड। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है रिलायंस प्रेस के ऑपोजिट में टॉपिक बिरयानी जहां हम लोग जा रहे हैं, तो ये बहुत ही फेमस है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं इसके अंदर। तो जैसे ही आप बिग बिरयानी के अंदर एंटर करोगे आपको बहुत ही बेहतरीन वाला इंटीरियर देखने को मिलेगा। यहाँ के वॉल को अगर आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही रोमांटिक है। और स्पेशली मुझे ये रेस्टोरेंट, मैंने सोचा था कि मैं वैलेंटाइन डे के वीक में ये शूट करूँगा, पर हमें पहले ही आना पड़ा क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन है। और यूँ कहो तो मैं यहाँ आने से अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि मैंने बहुत सुना था और ये मेरे विश लिस्ट में बहुत दिनों से था, और मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे आऊँ, और फाइनली देखो ये कितना खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है और मुझे बेहतरीन, बहुत बेहतरीन लगा ये। ये है मिस्टर सागर। हेलो सागर। हाय। तो रांची आप पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए। पहली बार आए हैं, तो कैसा लगा रांची? ऐसे ठीक ही लगा, कुछ कुछ जगह गए, काफी अच्छा लगा, बनारस से अच्छा लगा। बनारस से अच्छा लगा, से अच्छा लगा। अरे नहीं नहीं बनारस का तो अपना ही कुछ खास बात है। बनारस का है मतलब कुछ, पर रांची अलग है। और स्पेशली अगर रांची के खाने की बात करें तो अभी आप देखिएगा रांची का खाना भी बहुत अलग है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ ट्राई करते हैं सागर। ओके, तो फ्रेंड्स हम हैं अभी द बिग बिरयानी में और हमारे साथ हैं सिंगर मिस्टर रोहित। हेलो। हाय रोहित। हाय। तो आप यहाँ पे शाम के 7-6 बजे से आपका स्टार्ट होता है? 6:30। ओके, तो मोस्टली किस तरह के गाने की डिमांड होती है? गाने तो सारे पुराने गाने डिमांड होते हैं। पुराने गाने, पुराने गाने नए भी मतलब सब गाने होते हैं। अच्छा, तो आप कितने से 6:30 से कितने बजे तक आपका चलता है ये लाइव? अच्छा, रात के 10 बजे तक, 6:30 to रात के 10 बजे तक इनका सिंगिंग चलता है। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो रोहित भैया के गाने का एंजॉय कर सकते हो, साथ ही अच्छे खानों का मजा ले सकते हो। बिल्कुल, है ना। तो अभी जैसे वैलेंटाइन डे आने वाला है तो उस पूरे वैलेंटाइन डे वीक में तो आपकी काफी डिमांड होगी। हाँ वो तो, क्योंकि स्पेशली दिस रेस्टोरेंट इज वेरी रोमांटिक रेस्टोरेंट आई वुड से, क्योंकि यहाँ पे आप इतना अच्छा म्यूजिक दे रहे हो, एक अच्छा सा एनवायरमेंट आ रहा है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत आगे जाओ। थैंक यू वेरी मच। एंड व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप यहाँ पे आओ और इनका गाना एंजॉय करो, तो देखिए और एंजॉय कीजिए और खाना भी, स्पेशली खाना एंड गाना दोनों ही एंजॉय कीजिए। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से
मौजों की रवानी है। तो हमारा खाना अब आ चुका है, आप देख सकते हो। सबसे पहली डिश हम लोगों ने जो ऑर्डर की है वो है फिश चिल्ली, और ये बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और इसकी प्राइस है 249 रुपीस ओनली। साथ में हम लोगों ने लिया है चिकन दम हैदराबादी बिरयानी, और इसकी प्राइस है 199 रुपीस ओनली। तो स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं एक चिल्ली के साथ, और साथ में हम लोगों ने लिया है बिरयानी, जो कि देखने से तो बहुत ही लजीज और यमी लग रहा है। तो चलिए फटाफट से खा के हम इसका टेस्ट देखते हैं। और ये जो चिल्ली है ये फिश चिल्ली है, और बिरयानी की क्वांटिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें चिकन के 2 बड़े पीसेस हैं और चिल्ली में 7 पीसेस हैं, और चिल्ली के भी साइज़ बहुत ही अच्छी है। ये जो बिरयानी है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, इसमें एक लेग पीस हमें मिला हुआ है, आप देख सकते हो कलर काफ़ी बेहतरीन है। अब फटाफट से हम लोग इसको टेस्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं इसका टेस्ट। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो सागर हमारे साथ हैं और वो खाना शुरू करने वाले हैं। तो सागर चलिए, ये है हैदराबादी बिरयानी, तो इसे खा के बताइए कि यहाँ का टेस्ट कैसा है, रांची का खाने का टेस्ट कैसा है। सागर, बनारस जैसा है या नहीं है? ये है चिकन हैदराबादी जिसका प्राइस है 199 रुपीस। साथ में हम लोगों ने लिया है फिश चिल्ली, कैसा है यार कुछ बोलो। काफी अच्छा है। अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, हर एक चीज अच्छा है इसमें। तो हमारे पास अभी है द फिश चिल्ली, इसका जो प्राइस था वो मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले फिश चिल्ली खा के देख रहे हैं, शायद ये फिश ही है पूरी तरह से। ये पूरा फिश है, मछली है जिसमें कि एक भी कांटा नहीं है, एंड बहुत तीखा चटपटा है और इसका स्वाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, मतलब कि आज से पहले मैंने फिश चिल्ली कभी नहीं खाया था। सो दिस इज माय फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम जस्ट हैविंग दिस। और हम लोगों को मिला है हैदराबादी बिरयानी। मेरा फेस दिखाओ। ये हैदराबादी बिरयानी है जिसमें 2 पीसेस चिकन के हैं। इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो कलर कितना अच्छा है इसका। और चिल्ली तो बहुत ही अच्छा है, दिस इज सो यम्मी। यहाँ पे हमें बिरयानी के साथ में रायता भी मिला हुआ है और एक ग्रेवी भी है। अगर मैं रायता की बात करूँ तो इसमें ऑनियन और टमाटर है, और अगर आपको बिरयानी के साथ रायता या ग्रेवी की ज़रूरत है तो आप ले सकते हो। पर अगर मैं सच बताऊँ तो बिरयानी की टेस्ट इतनी अच्छी है कि ना ही आपको रायता और ग्रेवी की ज़रूरत पड़ेगी। तो चिकन खाने के बाद हम लोग ले रहे हैं ओरियो मिल्क शेक जिसकी प्राइस है 149 रुपीस, जो कि बहुत ही यम्मी है। साथ में हम लोगों ने लिया है गुलाब जामुन विथ वेनिला स्कूप, और इसकी प्राइस है 71 रुपीस ओनली। तो ये 2 डेज़र्ट हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं जो देखने से बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं। तो चलिए फटाफट से ट्राई करते हैं। तो डेज़र्ट आ चुका है और सागर जो है वो डेज़र्ट खा रहे हैं। तो गुलाब जामुन विथ आइसक्रीम है, कैसा है सागर? बहुत ही अच्छा, स्वादिष्ट। अच्छा, बहुत अच्छा स्वाद है। गुलाब जामुन गर्म है कि ठंडा है? गर्म है। गर्म है। तो ये है ओरियो मिल्क शेक जिसमें ऊपर में चॉकलेट सॉस है और एक ओरियो बिस्किट है। का रेट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा।
अच्छा है, टेस्ट इसका बहुत ही मिल्की है, लाइट मीठा है और काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो मेरी तरफ से इसको बिग थम्स अप, काफ़ी टेस्ट है इसमें। तो फ्रेंड्स, हम अभी हैं पुरलिया रोड के द बिग बिरयानी, जो कि अपोजिट है रिलायंस ट्रेंड संध्या टावर के, और हमारे साथ हैं यहाँ के मैनेजर मिस्टर अब्दुल। सो वेलकम अब्दुल हमारे चैनल में। तो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको आप प्लीज़ बताइए कि ये जो आपका जो द बिग बिरयानी है, सो इज इट ओनली फेमस फॉर बिरयानी और या फिर और भी तरह के डिशेस अवेलेबल है? बिरयानी तो हमारा जो है वो फेमस तो है, लाउड बिरयानी जो है हमारा वो तो फेमस तो है। अच्छा। इसके अलावा हम लोग प्रोवाइड कराते हैं इंडियन, चाइनीज, तंदूर, कॉन्टिनेंटल्स और भी सारे चीज़। अच्छा, तो यहाँ पे आपको बिरयानी, द बिग बिरयानी नाम है पर यहाँ पे आपको सारे डिशेस अवेलेबल हैं। तो मिस्टर अब्दुल, ये जो द बिग बिरयानी है, मुझे लगता है ये रिसेंटली ओपन हुआ है। ये सर फर्स्ट अक्टूबर। अच्छा, तो ये जस्ट आफ्टर कम्प्लीटिंग, ये हमारा जो लॉकडाउन खत्म होने लगा फिर आपका ये स्टार्ट हुआ है। तो ये जो खासियत आपके रेस्टोरेंट की है कि यहाँ पे आपके जो सिंगर हैं वो इसको चार चांद लगा रहे हैं। खासी अगर मैं यहाँ की फूड की बात करूँ तो वो तो और भी बहुत ही अच्छा है। जी जी, बहुत लजीज फूड है, बहुत लजीज फूड है। तो बिरयानी में सबसे स्पेशल, सबसे डिमांडिंग बिरयानी कौन सा है आपका? सबसे डिमांडिंग बिरयानी में तो अभी हमारा जो है द बिग बिरयानी स्पेशल, द बिग बिरयानी स्पेशल वो आपका आता है तीन में आता है। अच्छा। तो चिकन में आता है, चिकन में दो में आता है, एक तो बोनलेस और एक बोन। अच्छा। और मटन स्पेशल में भी आता है, वेज में भी आता है। ओके। उसके अलावा अभी हमने न्यूली लॉन्च किया है घर की बिरयानी। घर की बिरयानी जी। अच्छा, ये हमारे द बिग बिरयानी की जो ओनर है उनका होम मेड प्रिपरेशन है। अच्छा, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन है। ओके, तो बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन। ओके। तो अगर मैं कस्टमर्स की बात करूं तो जनरली यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि फैमिली भी आ रही है, कपल्स भी आ रहे हैं, फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, फॉर बर्थडे पर्पस भी लोग काफ़ी इसे पसंद कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि वैलेंटाइन डे आने वाला है तो उसके लिए कुछ खास तैयारी? म्यूजिक लवर्स के लिए तो है ये। मुझे स्पेशली मैं कहूँ तो ये बहुत ही रोमांटिक रेस्टोरेंट लगा बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, और यहाँ के एम्बियंस की बात करूँ तो वो भी बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सर। तो हम विश करते हैं कि आपकी ये जो रेस्टोरेंट है वो बहुत ही अच्छे जाए और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। तो ठीक है सर, और मैं अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप एक बार विजिट कीजिए, यहाँ का खाना एंजॉय कीजिए, ये बहुत ही बेहतर। तो दोस्तों, हमारे द बिग बिरयानी के जो हेड शेफ हैं मिस्टर नियांस, सो यही यहाँ का सारा कुछ कुक करते हैं। तो बिरयानी का सबसे ज़्यादा ऑर्डर आता है आपके पास? अच्छा। तो ये इनका किचन एरिया कितना क्लीन और कितना साफ सुथरा लग रहा है देख के, आप इतना हाइजीन मेंटेन किए हुए हैं। तो मोस्टली आप कितने तरह के बिरयानी कुक करते हो? अभी तो सर फिलहाल 7 प्रकार का बिरयानी यहाँ पर हम लोग अच्छा रहे हैं। ओके, तो बिरयानी स्पेशल यहाँ पे बहुत तरह का मिलता है। तो ये है यहाँ के हेड शेफ, और चलिए एक ग्रुप फोटो अभी हम लोग के साथ करने वाले हैं। तो ये है बिग बिरयानी के सारे शेफ, और अभी अभी जो हम लोगों ने खाया है तो इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ था। और यहाँ पे बिग बिरयानी में बिरयानी बहुत स्पेशल है, तो ये लोग बिरयानी बहुत ही अच्छा से बनाते हैं। तो आप लोगों का खाना बहुत फेमस हो रहा है रांची में, और लोग आपको, आपके खाने को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं मैं उन लोगों को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि ये हमारे जो सारे शेफ हैं जो कि बिरयानी स्पेशलिस्ट हैं, और भी तरह का जितना भी आप चाइनीज या इंडियन डिशेस यहाँ के ट्राई करते हो ये ही लोग प्रिपेयर करते हैं। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो फ्रेंड्स। तो अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना खाना, और यहाँ का खाना बहुत ही बेहतरीन था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और उनको प्लीज़ ये जगह सजेस्ट कीजिएगा क्योंकि ये जगह वाकई में बहुत ही बेहतरीन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।